नमस्ते। कक्षा 9 विज्ञान विषय में अध्याय नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, के अगले भाग में आज हम पदार्थों के शुद्धिकरण के बारे में जानकारी लेंगे, यानी मिश्रणों का शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आशा है पूर्ण ध्यान रूप से आज आप इस विषय पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लीजिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं विभेदी निष्कर्षण। क्या नाम है? विभेदी निष्कर्षण, जिसका उपकरण का चित्र है वो आपके सामने यहाँ बोर्ड पे बना हुआ है। उपकरण ये होता है, इसमें एक गोलाकार लट्टू जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर यहाँ पर इसका मार्ग होता है, इसको बंद किया हुआ होता है। नीचे स्टार्क कीप लगी होती है, अर्थात जिसको अपन टैप भी बोलते हैं, पानी निकालने बंद करने के लिए जो टैप होती है उसको स्टार्क कीप के नाम से जानते हैं। और इस लट्टू जैसी संरचना के ठीक अंदर यहां पर ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं जिनका हमको पृथक्करण करना है। तो इसमें हम दो ऐसे घुलनशील पदार्थ लेते हैं जिनको हम पृथक पृथक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मिट्टी का तेल, जल के अंदर घुले हुए मिट्टी के तेल को आपको जल से अलग करना है तो इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग आगे चलकर हम पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण के दौरान भी करते हैं। तो विभेदी निष्कर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है, आपको जल में घुले हुए, वैसे तो आप जानते हो मिट्टी का तेल वो घुलता नहीं है, क्योंकि मिट्टी का तेल वो कार्बनिक पदार्थ होता है, जल वो है वो ध्रुवीय विलायक होता है, लेकिन इनके आपस में मिश्रण होने पर इनको अलग कैसे किया जा सके। तो मिश्रण होने पर इनको अलग करने पर इस मिट्टी से मिले हुए जल को आपको इस उपकरण के अंदर डालना है, और डालकर इसको थोड़ी देर के लिए आपको शांत कर देना है। शांत करने के बाद मिट्टी के तेल की परत है वो सबसे ऊपर जाके यहाँ पे स्थिर हो जाती है, नीचे जल दे जाता है। अब आप इस स्टार्क कीप को क्या कर देंगे, खोल देंगे। स्टार्क कीप को खोलने के बाद धीरे धीरे ये जितना भी जल है वो नीचे स्टार्क कीप के माध्यम से नीचे की तरफ आ जाता है। जब मिट्टी का तेल इसके नीचे की तरफ आने लगे तो आपको इसकी स्टार्क कीप को क्या कर देना है, बंद कर देना। इस प्रकार से आप मिट्टी का तेल और जल को विभेदी निष्कर्षण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि। यह विधि उन पदार्थों के पृथक्करण में ली जाती है जिनमें कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो सीधा ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम दो मिश्रण लेते हैं, एक तो लेते हैं सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, दूसरा अमोनियम क्लोराइड। इनके मिक्सचर को आपको एक वाच ग्लास में रख देना है। वाच ग्लास में रखने के बाद उसके ऊपर आपको एक फनल लगा देना है, कीप लगा देना है, कीप को ऊपर से रुई से आपको बंद कर देना है। अब आप बर्नर से इसको जलाएंगे, थोड़ी देर बाद हीट होने के बाद जो अमोनियम क्लोराइड है जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, इसमें इसकी वाष्प बढ़ना शुरू हो जाएगी। वाष्प बढ़ने शुरू होने के बाद ये इस फनल की दीवार के चारों ओर यहाँ पर आके जमा होने लगेगी, क्योंकि पहले वाष्प बनेगी फिर इसकी दीवार के चारों ओर जमा होने लगेगी। जमा कब होगी, जब आप बर्नर को बंद कर दोगे, तो जब टेम्परेचर नीचे आएगा तो ये जो वाष्प बनी हुई है वो इस कीप के दीवार के चारों ओर क्या हो जाएगी, जमने लग जाएगी, और सोडियम क्लोराइड है वो वाच ग्लास में ले जाएगा, क्योंकि इसका जो गलनांक क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा उच्च होते हैं, इसलिए इसकी वाष्प यहाँ पे नहीं बनेगी। इसलिए इन दोनों पदार्थों को आप ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन का अर्थ यही होता है कि जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो तो उसको अपन ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेटेड मैटर्स बोलते हैं, और इस विधि को सब्लिमाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमो शब्द का अर्थ होता है बच्चों रंगीन, रंग, जिसका मतलब होता है रंग। रंगों के पृथक्करण में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, और ये अति सूक्ष्म जो रंग होते हैं, अति सूक्ष्म कम मात्रा में जिनको मिश्र को अगर आपको पृथक करना है तो इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में आपको एक जार लेना है, जार के अंदर एक छनक पत्रक, कागज होता है छनक पत्रक, उसको आपको लेना है। लेकिन
छनक पत्रक से पहले आपको पेंसिल से एक सीधी लाइन का निशान बना देना है और उस लाइन के ऊपर आपको स्याही की बूंद है वो इस पे लगानी है। अब इस जार के अंदर आपको जल लेना है। क्या लेना है? जल। जल लेके उस छनक पत्रक को इसके अंदर डालेंगे। इतना ही डालेंगे कि इसकी छनक पत्रक की जो लास्ट की जो परत है वो उस जल को हल्के से छुए। तो छूने के बाद आप देखेंगे कि जल है वो इस छनक पत्रक में ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है और चढ़ते वक्त ये जो स्याही की बूंद है इसको साथ लेकर चढ़ेगा। तो इस स्याही की बूंद में से वे पदार्थ जो जल में घुलनशील है, जो जल में विलय होते हैं, उनको ये ऊपर की ओर लेकर चलना शुरू हो जाएगी और जो जल में घुलते नहीं है वो यहीं इस बिंदु पर स्थिर रहते हैं। तो आप क्रोमेटोग्राफी विधि से रंगों को अलग अलग करके इस विधि से रंग को आप क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एक बहुत ही सिंपल सी विधि है निस्संदन, फिल्ट्रेशन जिसको अपन बोलते हैं। इसमें वे पदार्थ जो छानकर अलग किए जा सकते हैं उस विधि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब जल के अंदर जो घुली हुई मिट्टी है उसको आप निस्संदन विधि द्वारा यानी फिल्ट्रेशन विधि द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं। ये उपकरण आप देख ही रहे हैं प्रयोगशाला में, इसको अपन कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में ऊपर ये फनल है, फनल के अंदर आपको एक फिल्टर पेपर इसमें लगा के उसमें मिट्टी से मिले हुए पानी को इसके अंदर डालना है। पानी छनकर बीकर के अंदर आ जाएगा जबकि मिट्टी है वो इस फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगी। तो इससे निस्संदन विधि द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं। फिर आता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन में भी आप किसी पदार्थ को है उसके क्रिस्टल बना के अलग कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है चाशनी से शक्कर को अलग करना। जब आप चाशनी बनाकर उसको हीट कर उसे आप जब ठंडा करते हैं तो ठंडा होने के बाद जो शक्कर होती है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं जिसको आपको छानकर उसको अलग कर सकते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। फिर आइए अगली विधि आती है आसवन। आसवन विधि में बच्चों उन मिश्रणों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो घुलनशील द्रव हो, अर्थात दोनों ही द्रव हो घुलनशील हो। इस प्रयोग में हम एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं, उसको स्टैंड पर बर्नर की सहायता से इस प्रकार से इसमें फिट कर देते हैं और इसके ठीक पास में यहां पर इसके अंदर यहां आपको एक जल संघनक यानी वाटर कंडेंशनर इस जो निकास नलिका है उसके चारों ओर यहाँ पे इसको सेट करना है जिसमें से आप ठंडा पानी गुजार सकते हैं और दूसरे मार्ग से पानी को वापस निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बीकर रखना है जिसमें वो पदार्थ मिश्रण वाला पदार्थ है जो अलग होगा वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। अब इस गोल पहने वाले फ्लास्क में आपको दो मिश्रण वाले पदार्थ लेने हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ एक जल और दूसरा एसीटोन। एसीटोन एक कार्बनिक लिक्विड होता है, द्रव होता है जो कि जल की वनस्पति उसका क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो इन दोनों द्रवों में मुख्य बात यह है कि दोनों के द्रवों में क्वथनांकों में बहुत अंतर होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा अंतर होगा तो ये मिश्रण है वो आसवन विधि से एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। एसीटोन का क्वथनांक जल से बहुत कम होता है और बहुत कम होने के कारण से जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो एसीटोन है जिसका क्वथनांक कम होता है वो कम टेम्परेचर पर क्या होगा उसकी वाष्प बननी शुरू हो जाएगी। और टेम्परेचर का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इस पर थर्मामीटर लगाया हुआ होता है और जो ही आप इसको हीट करेंगे तो एसीटोन की वाष्प है वो पहले बनेगी और जल की वाष्प बनेगी नहीं क्योंकि उसका जो क्वथनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है, 100 डिग्री के आसपास होता है, एसीटोन का बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए इस एसीटोन की वाष्प है वो बननी शुरू हो जाएगी और वाष्प बनने के बाद ये निकास नलिका से होते हुए यहाँ ये वाटर कंडेंसर जिसको अपन जल संघनक बोलते हैं इसके थ्रू आउट यानी इसके अंदर से होके गुजरेगी। जो ही आप शीतल जल इसमें से प्रवाहित करेंगे तो जो एसीटोन की वाष्प है वो वापस द्रव अवस्था में बदलनी शुरू हो जाएगी और बूंद बूंद करके इस बीकर में है यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है। फिर आता है प्रभाजी आसवन। देखिए दोनों ही चित्र आपको लगभग एक जैसे दिखाई देंगे लेकिन इनमें अंतर है, ये चित्र और ये चित्र दोनों ही एक जैसे हैं
लेकिन इसको अपन साधारण आश्रम बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं प्रभाजी आश्रम। इसमें क्या होता है बच्चों कि इस प्रक्रम का जो प्रयोग है हम तभी करते हैं जब हम ऐसे दो घुलनशील मिश्रण लें जिनके क्वथनांकों में मात्र 25 केल्विन का अंतर हो, 25 केल्विन या उससे कम। अब 25 केल्विन हो या उससे कम अंतर होगा तो इसका मतलब है कि क्वथनांकों में ज्यादा अंतर नहीं है, और ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण से जब आप उसको हीट करोगे तो उनकी वाष्प है वो एक साथ ही बनेगी। तो ऐसी स्थिति में इनको जब आप अलग अलग करना चाहोगे तो फिर क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग करना चाहोगे तो आपको यहां पर इस स्थान पर यहां पर एक इस प्रकार का उपकरण लगाना है जिसको अपन प्रभाज बोलते हैं। इस प्रभाज में एक मोटी नलिका होती है और अंदर कांच की जो छोटी छोटी गोलियां होती है जो इसके अंदर भरी हुई होती है, इसको आपको थर्मामीटर की सहायता से यहाँ पे स्थिर करना है। और नीचे हम वही आपके पास गोल पहनने वाला फ्लास्क होता है, फ्लास्क में आपके पास मिश्रण होते हैं, ऐसे मिश्रण जिसका जिसके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम या उसके आसपास हो, तो इस मिश्रण को अगर आप इसके अंदर डालेंगे हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की वाष्प एक साथ बन रही है, दोनों मिश्रणों की वाष्प एक साथ बन रही है, तो ये फिर इस प्रभाज से होके गुजरेगी। जिसका क्वथनांक अर्थात जिसका क्वथनांक कम बनेगा, जिसका क्वथनांक कम है वो पहले वाष्पित होगा, यानी दोनों में से जिसका क्वथनांक कम है वो पहले वाष्पित होगा। लेकिन यहां पर ये एक साथ वाष्प बनाते हैं, लेकिन प्रभाज से गुजरते वक्त जो कम क्वथनांक वाला होगा वो इन कांच की गोलियों को पार करते हुए इस जो वाटर कंडेंसर है जल संघनक है इसमें से होके गुजरेगा, और उसके बाद जिसका क्वथनांक अलग है वो इसको पार करते हुए गुजरेगा। तो इस विधि से हम कौन कौन से पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और वैसलीन। इसमें पेट्रोल का जो क्वथनांक है वो डीजल से कम होता है, इसलिए पहले पेट्रोल अलग किया जा सकता है, फिर डीजल अलग किया जा सकता है, उसके बाद केरोसिन। तो ये क्वथनांकों के आधार पर इनका अनुक्रम यहाँ पर मैंने बताया है। इस विधि का इस्तेमाल है वो पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने शुद्ध पदार्थों के मिश्रणों को अलग अलग करने की विधियों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में आपसे फिर चर्चा होगी गैसों के पृथक्करण के बारे में। तब तक के लिए।